हेलो नमस्ते नमस्ते। हेलो बुद्ध भगवान जी बोलिए। थोड़ा लॉन्ग पास क्यों होता, थोड़ा लॉन्ग फेल क्यों होता? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, आपके सवाल बहुत ही उत्तम है। जिंदगी में जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं सब में बराबर की क्षमता होती है, मस्तिष्क की बुद्धि होती है, विचार होता है, विवेक होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति के दो हाथ, दो बाहें, दो पैर, दो आँख, दो नाक, दो कान। नाक एक ही होता है ना, दो कान, दो आँख, एक मुंह, एक नाक, दो हाथ, दो बाहें, दो पैर, एक मस्तिष्क होता है। कहने का मतलब कि समान है जितने भी लोग हैं, आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, एलोन मस्क हो, एडिशन हो, हेनरी फोर्ड हो, एंड्रयू कार्नेगी हो, जितने भी बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, जितने भी महान व्यक्ति हुए, दार्शनिक हुए, सोक्रेटिस हो, सारे लोग समान होते हैं। हर तरह से समानता होती है, लेकिन जो उनको सफल बनाती है उनका लक्ष्य, वो अपने जिंदगी में जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। जिसे कबीर दास ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम से जग रोए। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने जीवन को परिभाषित करना चाहते हैं, वो लोग अपने जीवन को ऐसा बना के जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक मार्गदर्शन बन सके, मार्गदर्शक बन सके। उनके लक्ष्य होते हैं, वो जिंदगी में चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जिससे कि मानव का विकास हो, मानव के जिंदगी में सुख सुविधाएं हो। इतिहास साक्षी है, हेनरी फोर्ड ने कार दिया, राइट ब्रदर्स ने आपको एरोप्लेन दिया, अनेक महान वैज्ञानिक है जो कि तरह तरह से आविष्कार करके मानव को इतना खुशहाल बनाया है। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं तो अंधेरे में रहते थे। हमारे पास कार्स हैं, मोटर बाइक हैं, बहुत सारे ट्रेम्स हैं, रेलवेज हैं, सारे चीज़ इन महापुरुषों ने दिया, क्योंकि उनके जीवन में कुछ लक्ष्य था, इसीलिए वो पास हुए। और जब पास होने की कोशिश कर रहे थे तो विफलताएँ आती है और सफलताएँ आती है, तो तरह तरह के दूसरे तरीके ढूंढते हैं और सफलता बिना पाए रुकते नहीं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन देख उकताते नहीं, वीर में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं, हो गए कान में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। वो पहाड़ों की शिखर, वो समुद्र की गरजती लहरें, वो जंगलों की घने जंगली जानवरों से आच्छादित, वो आग की फैली ज्वालाएं, ये सारे कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उनको रोकती नहीं। वो साहसी होते हैं, वो वीर होते हैं, वो कर्मठ होते हैं, वो कठोर परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास से वो बिल्कुल भरपूर होते हैं, वो परम वीर होते हैं। गुण भरे एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहदी में जैसे लाली हो वर्तिका भी दुजियाली हो, है बड़े गुण प्रखर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। गुण भरे एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहदी में जैसे लाली हो वर्तिका भी दुजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो समझ गए महानुभाव, जो लोग कभी हिम्मत नहीं हारते, जो लोग कठिनाई से डरते नहीं, जो लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहते, उन्हें मालूम है कि बड़ी उपलब्धियों के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं, वही सफल होते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ दिए बिना ही यूं ही जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। कभी भीख नहीं मांगते, वृक्ष भले हो घने हो खरे हो बड़े, वृक्ष भले हो गरे बड़े हो घने हो खरे, एक पत्र छाओ भी
मांग मत अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न कभी थमेगा, तू न कभी रुकेगा, तू न कभी मुरेगा, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद से लथपथ 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 अग्निपथ। प्यारे दोस्तों, जो लोग अग्निपथ पर जलना चाहते हैं, जो लोग अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, जो लोग सोने की तरह जलते हैं, चमक के बाहर निकलते हैं, जो हीरो की तरह तराशे जाते हैं, काटे जाते हैं, कठिनाइयों में जूझते हैं, कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यथ सतत मिला। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू।